Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Dan newspaper iske editorial aur opinion ka analysis kiya ja raha tha with practice question. Ye series continue thi and today is 7th of December 2023. So ji, kya hai aaj ke Dan newspaper ke andar? Ye opinion wala page hai. Isme hum पहले जो है 1, 2 and 3 ये तीन जो एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस करेंगे. देन वी मूव फॉरवर्ड और ये वाले चार जो ओपिनियंस हैं 4, 5, 6 और 7 इनका हम जो है एनालिसिस करेंगे. एंड स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में इनको देखेंगे कि और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में भी आप कई जो है न्यू चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेंगी. सो जी कंटिन्यू करते हैं. पीडीएफ लिंक जो है वो अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लेक्चर का और साथ ही न्यूज़पेपर का, टुडे न्यूज़पेपर का, और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अवेलेबल है. आप वहां से जो है चाहे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इसी लेक्चर के जो है 7 पार्ट कर दिए जाएंगे, इनके 7 हिस्से इसके बना दिए जाएंगे विद टाइमलाइन, जिनमें से 3 जो होंगे वो एडिटोरियल्स के होंगे और 4 जो होंगे वो ओपिनियंस के होंगे. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. एंड जी कमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम अब आपने करना है सारे का सारा. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग अ पार्ट ऑफ आवर टीम. एंड कमेंट्स आपने जरूर करने हैं क्योंकि सिर्फ कमेंट्स ही हैं जिससे हमको आइडिया होता है कि आप लोग कितना सीख रहे हैं. बाकी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस पर्सपेक्टिव में, कंपिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम जानते हैं. और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा फोकस उनके ऊपर रहे, आपका फजूल में जो है टाइम वेस्ट ना किया जाए. और बाकी आपने बस ये कमेंट्स करके बताना होता है कि क्या आपको जो है समझ आ रही है, आप क्या लर्न कर रहे हैं. और मेरी यही कोशिश होती है कि हर लेक्चर के बाद जो है आप डिफरेंस फील करें कि आपने कुछ नया सीखा है. और दूसरी चीज़ ये भी है कि कमेंट्स जब आप करते हैं तो उससे हमें भी जो है हमारी भी हौसला अफजाई होती है कि हाँ बेनिफिट्स मिल रहा है. तो हम भी आगे जो है और जो है जोश व खरोश से लेक्चर्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं. ये जी स्लाइड है करंट अफेयर जो ग्लोबल इशूज़ चल रहे हैं, ग्लोबल इशूज़ उसकी, ये अभी कंटिन्यूसली हैं. इनको आप देखेंगे पिछले सारे एडिटोरियल्स में डिस्कस किए हैं, स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा. और ये वाले वो वाले करंट इश्यूज हैं जो नेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा. सो जी फर्स्ट जो आपका टुडे एडिटोरियल है वो है गजा डार्केस्ट हॉर. अब इसमें जो है क्या एडिटोरियल में वो डिस्कस करता है, वो डिस्कस इसमें सिर्फ और सिर्फ जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है ना गजा की वो डिस्कस करता है. इसके अलावा इसके अंदर वो कोई नई चीज जो है आपको नहीं बताता है कि कोई जो इम्प्रूवमेंट हुई हो वो इसके अंदर वो कोई नहीं बताता है कि किसी भी जगह पर दुनिया में गजा को लेकर कोई डिसीजन किया गया हो, कोई मीटिंग की गई हो, कोई कॉन्फ्रेंस की गई हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बात की गई हो, या किसी वर्ल्ड के किसी अच्छे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंट्री ने कोई स्टेप लिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. ठीक है ना, बस अभी इसमें क्या है कि एक ही काम हुआ है. वो क्या हुआ है कि इसराइल ने क्या किया है, अपनी बम्बारमेंट जो है वो इंक्रीज कर दी है. तो उसके बारे में ये जो है आपको बताएगा और ये एक इंफॉर्मेशन होगी जो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी. और ये जो है हमने यस्टरडे एक जो ओपिनियन किया था उसके अंदर उसने आपको बताया था क्या कि इट्स नो अमेरिका वार. जो बच्चे आज जिन्होंने नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो प्रीवियस वाले लेक्चर जरूर सुने. ये जो है ना ये न्यूज़ नहीं है. मैं आपको एक और बात न्यूज़ में, खबरों में और इन में ओपिनियंस में डिफरेंस होता है. ओपिनियंस में, एडिटोरियल्स में ये डिफरेंस होता है कि न्यूज़ बस आपको एक स्टोरी बता दी जाती है, अब उस स्टोरी के बैकग्राउंड में क्या है वो ओपिनियन वाला आपको बताता है. और ये चीज़ें जो हैं वो 6 महीने, साल, 2-2 साल तक सेम ही रहती हैं, ये बदलती नहीं है. लिहाजा आप प्रीवियस लेक्चर्स जो है उनको जरूर सुने ताकि आपकी जो है ना बेस जो है वो स्ट्रांग हो. और आगे इसके ऊपर मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर एक चीज उसने ऐड की है, अमेरिका बम, अमेरिका के जो बॉम्ब्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं. और यही चीज हमने यस्टरडे वाले अपने ओपिनियन के अंदर भी डिस्कस की थी विद
जो है आर्गुमेंट्स के साथ, उसने विद लॉजिक के साथ और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसकी उसने रिपोर्ट को डिस्कस किया था। तो ये चीजें इसके अंदर हैं। तो चलें जी, अब आपको बता देते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर वो क्या बताता है आपको। फर्स्ट, ये मैप है किसका, फलस्तीन का। ये मेडिटेरियन सी है, ठीक हो गया, और ये सीरिया है, जॉर्डन है, और ये इसराइल है। और जो फलस्तीन है, आपको पता है कि दो चीजों से मिलकर अब बकाया जो हिस्सा बचा है उसको हम वेस्ट बैंक को और गजा को, ये गजा है जी, ये वाली पट्टी जो है, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि क्या बनता है, फलस्तीन। अब फलस्तीन क्या जो है, ये एक मैप है गजा स्ट्रिप का। तो गेम शुरू होती है नॉर्थ गजा से, कि पहले जो सऊदी अरेबिया, अपना सऊदी अरेबिया कह रहा, इसराइल जो है वो क्या करता है, नॉर्थ गजा के ऊपर अटैक करता है, और यहां से लोगों को कहता है कि आप लोग यहां से निकल कर साउथ गजा के इलाके में चले जाएं, यानी कि इस तरफ इन इलाकों में आ जाएं। तो लोगों ने यहां से माइग्रेट किया, अपनी जानें बचाते हुए निकले। तो यहां पर आते आते वो ये खान यूनस और इन इलाकों में आकर उन्होंने क्या कर लिया, बसेरा कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि उन्होंने इस साइड के ऊपर भी अटैक कर करके सारी तबाह करने के बाद अब उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया इस जगह पर भी, खान यूनस पर, जो रिसेंट अटैक हुआ जिसका एडिटोरियल के अंदर वो बात करेगा। तो यहां पर भी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। और अब ये जो रफा है, रफा क्रॉसिंग यहाँ पर है जो इजिप्ट के बॉर्डर के साथ है। अगर आप ये देखें, ये इजिप्ट है, मिस्र जिसे कहते हैं, ये इसराइल है, तो इसके बॉर्डर पर यहाँ पर है रफा क्रॉसिंग। तो अब ये इनको कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पर, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर होनी चाहिए, ये जो गजा स्ट्रिप के साथ यहाँ पर है रफा क्रॉसिंग, ठीक है ना। तो अब ये इनको कह रहे हैं कि यहाँ से आप क्रॉस करें और आप लोग इजिप्ट में चले जाएं, और इजिप्ट का जो एरिया है ना, यहाँ पर जाकर अपने आप लगाएं कैंप और गजा सारे के सारे को क्या कर दें, खाली कर दें। तो लिहाजा उन्होंने इस एरियाज के ऊपर भी जो है अब बम्बारमेंट शुरू कर दी है, ताकि लोगों को इधर से भी निकाल कर कहाँ भेज दिया जाए, इजिप्ट के अंदर भेज दिया जाए। तो ये है प्रेजेंट जो सूरत हाल है, और इसी के ऊपर जो है वो सारा एडिटोरियल उसने लिखा है। कहता क्या है कि शॉर्ट टर्म जो ट्रूस था, जो मुआहदा था, वो कलेप्स हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है ना, जो भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हुआ था, जिसके बाद इन दोनों ने आपस में जो कैदी थे उनको, कैदियों को भी इंटरचेंज किया था, ठीक है ना, दोनों ने एक दूसरे के कैदी छोड़े थे। और फाइनली एक वीक के बाद जो है दोबारा से गेम शुरू हो गई, दोबारा से जो है इसराइल ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया अटैक, और मल्टीपल जो है लोगों की जान ले ली। तो कहता है ये खत्म हो गया मादा, ठीक है। और उसके बाद अब जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि डीपॉपुलेट कर दिया जाए बिल्कुल इस गजा की जो स्ट्रिप है, यहाँ से जो अरब वाले हैं उनको खत्म कर दिया जाए, फलस्तीनियों को निकाल दिया जाए, उनकी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया जहां से। तो साउथर्न पार्ट ऑफ गजा जो है वहां पर अब अटैक कंटिन्यू है अमेरिकन बॉम्ब्स के साथ, जो मैंने अभी आपको यहाँ पिक्चर में बताया कि ये जो साउथर्न पार्ट है, खान यूनस वाला जो टाउन है वहां पर और यहाँ पर, साउथर्न पहले यहाँ पर था, यहाँ से लोग यहाँ आए, अब यहाँ पर भी अटैक उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं कि ये जो लोग यहाँ से भी निकल कर आगे इजिप्ट में चले जाएं, ठीक हो गया जी। तो ये बात वो करता है, टाउन खान यूनस फेस्ड डेडली अटैक, और यही फिर बात, ये खान यूनस आपके सामने है, ठीक हो गया जी, 4 नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, डेडली अटैक हुआ है, ठीक है ना, घरों के ऊपर और रिफ्यूजी कैंप्स के ऊपर, और यूएन और डब्ल्यूएच ने कर दिया ह्यूमैनिटी डार्केस्ट हार, उन्होंने जो है इसका कह दिया है कि ये जो है इंसानियत का जो है ना डार्केस्ट जो है घंटा है, हॉर है। ओनली सेफ प्लेस अब कहाँ पर है कि वो क्रॉस करें बॉर्डर को जो इजिप्ट का है और चले जाएं दूसरी तरफ, इजिप्ट जो है दूसरी तरफ, वो नहीं चाहता कि ये लोग हमारे पास आए, वो इस चीज को कंसिडर अच्छा नहीं करता। अब वो आगे कहता है कि जो बच्चे थे ना होलोकॉस्ट सर्वाइवर के, यानी कि जो जर्मनी में जाहिर होलोकॉस्ट हुआ, इनको मारा ज्यूस को, अब उन ज्यूस के बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गजा वालों को मार रहे हैं, अरब पॉपुलेशन को क्लीन कर रहे हैं, क्लीनजिंग कर रहे हैं। तो कहता है कि स्टार्ट एक्टिविटीज इन वेस्ट बैंक एज वेल, कहता है कि अब ये क्या हो रहा है कि यहां पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, कि यहां से इनको सबको निकाल कर इधर इजिप्ट की तरफ फेंक दिया जाए, और दूसरी तरफ ये वेस्ट बैंक के अंदर भी इन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है, यहां पर भी करना शुरू कर दिया है अटैक लोगों के घरों के ऊपर, उधर भी लोगों को मारना शुरू कर दिया है। अब इसके आगे वो क्या चाह रहे हैं, मैं उस उधर नहीं जाता ज्यादा डिटेल के अंदर, लेकिन मैंने अबला शुरू में ही आपको अपना भी एक ओपिनियन दिया था कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ फलस्तीन। तो यही था कि ये लोग चाहते हैं, इसराइल वाले, कि ये गजा वाले यहाँ से यहाँ आ जाएं,
और उसके बाद जाहिर है जिसके अगर 10 बहन भाई मर गए हैं और अकेला ही बच गया, तो वो फ्यूचर में क्या करेगा, इसराइल वालों पे अटैक करेगा। और यही बहाना लगाकर इसराइल वाले फिर क्या करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे इजिप्ट के अंदर, और इजिप्ट की ये जो गोलन हाइट्स वाला एरिया, इसको भी वो कैप्चर कर लेंगे। और फिर उनका नेक्स्ट स्टेप जो आगे चलेगा स्विज कनाल के ऊपर। तो असल में उनकी नजर है कि स्विज कनाल का कंट्रोल ले लें, और दूसरा यहाँ पर जो ये वाला है गजा स्ट्रिप वाला जो कोस्टल एरिया, इसको भी अपने कंट्रोल में कर लें। तो मेन उनका ये टारगेट है फिलहाल, ठीक है ना। तो और उसको वो स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ये सारी बात बताने के बाद वो कुछ क्वेश्चंस छोड़ देता है, ठीक है ना। इसके अंदर वो क्या कहता है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता है, दुनिया वालों के लिए क्या देता है, कहता है कि क्या अब ये नजर आ रहा है कि इट सीम्स दैट इन इसराइल की नजरों में हर मर्द औरत और बच्चा जो है गजा के अंदर वो मेंबर है हमास का, और इसलिए उसका खात्मा जरूरी है। तो कुछ सियासतदान तो इसराइल के ये कह रहे हैं कि अगर सेड दैट द अगर एलिमिनेट जो हमास को हम कर रहे हैं वो ना अचीव हो सका, तो फिर एंड गेम क्या होगी, ठीक है ना। तो वो भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि फिर एंड गेम क्या होगी, अगर आप बिल्कुल जो है हमास को वहां से खत्म ना कर सके तो क्या आप हर एक को मार देंगे वहां पर। फिर आगे क्या इसराइल जो है वो ये अपना जो जारी रखेगा ये वाला जो है जारहाना काम, जबकि ऑल साइंस ऑफ लाइफ फ्रॉम गजा हैव डिसअपीयर्ड, जब तक वहां पर जिंदगी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती गजा में, तो तब तक क्या इसराइल यही मारना जो है लोगों को जारी रखेगा। और कहता है कि अभी तक जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनसे तो यही लग रहा है कि जब तक हर एक वहां पर कोई भी जान बाकी है वो अपना ये ऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो क्या कहता है कि अरब और मुस्लिम जो मुस्लिम जो है वो सिर्फ जो है स्टेटमेंट्स ही देते रहेंगे, इसराइल को कंडेम ही करते रहेंगे, और दूसरी तरफ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो मरते रहेंगे अनस्पीकेबल पेन लेकर। तो क्या ये मुसलमान और यही बस स्टेटमेंट ही देते रहेंगे। और आगे वो कहता है कि क्या वेस्टर्न स्टेट जो है वो इसी तरह इसराइल को डिफेंड करती रहेगी और उनको डेंजरस वेपन्स जो है वो प्रोवाइड करती रहेगी, और इसी तरह से क्या जो एड है जो लोड करके भेजी जा रही है, ट्रक लोड एक और दो भेजी जा रही है, क्या वो गजा को हम इसी तरह से बस एड ही देते रहेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो वो पूछ रहा है, क्या ऐसे ही मामला चलते रहेंगे। क्या कहता है 16,000 जो फलस्तीनी जो है मर गए हैं, क्या कभी उनको इंसाफ मिलेगा। और जो चैंपियन है इस चीज के कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, जैसे वेस्ट वाले कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, क्या उनको इन सवालों के जवाब वो दे सकते हैं, और क्या फलस्तीन के बच्चों को वो बता सकते हैं कि वाई दे मस्ट कंटिन्यू टू डाई, क्यों उनको मरना वो कंटिन्यूसली मारे जा रहे हैं, मारे देना जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछता है, और इन क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए जा चुके हैं कि ये अरब क्यों खामोश है, मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है, अमेरिका क्यों वेपन सप्लाई कर रहा है, अमेरिका क्यों उनको एड दे रहा है इसराइल वालों को, इसराइल क्यों बच्चों को मारी जा रहे हैं, और ये वर्ल्ड रूल बेस ऑर्डर वाली दुनिया जो जिसका नारा लगाता है वर्स्ट, वो क्यों खामोश है, जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा इनको जो 16,000 के करीब मर चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्रीवियस के जो हमारे एडिटोरियल्स हैं, ओपिनियंस हैं, उनके अंदर हम डिस्कस इनको कर चुके हैं, ठीक हो गया। ये क्वेश्चंस उसने छोड़ दिए, इनके ऊपर आप भी गौर कीजिएगा। सेकंड जी आपका वुमेन क्रिकेट विन, ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट विन वो इसके ऊपर है जी। इसमें वो आपको सादा सा ये बात आता है, ज्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर हम खर्च करेंगे क्योंकि ये जो इसमें जरूरी चीजें थी वो आप आपको बता देता हूँ। कहता है कि जो फातिमा सना है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की, वो वापस आई है, फास्ट बॉलर है और जो है वो, और अभी उसने सीरीज जो थी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम ने जीत ली है। तो ये जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर जो 2024 में होगा, तो उसके लिए हम, इसका मतलब है कि हमारी टीम बड़ी अच्छे से तैयार है। तो यहाँ पर एक चीज है कि वुमेन्स के लेकर आप जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, वुमेन्स राइट्स की बात होती है, जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती है, तो फ्यूचर में वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप ये भी पूछ सकता है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं अगर आप पाकिस्तान को पॉजिटिविटी पोर्ट्रे करना चाहें कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन राइट्स की वायलेशन जो है, अगर हम कहें कि वो कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमने कोशिश की है वुमेन्स को आगे लेकर आए हैं,
तो वहां पर जब आप पाकिस्तान वुमेन राइट्स की जब पॉजिटिव की आप बात करना चाहेंगे तो आप स्पोर्ट्स का भी दे सकते हैं कि पाकिस्तान की, देखें जी वुमेन क्रिकेट टीम की मैं मिसाल देता हूँ कि उसने अभी जो है ये सीरीज जीती है, कल को अगर T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है तो आप उसकी भी मिसाल दे सकते हैं कि हमने वुमेन्स को इतना स्ट्रांगली, यानी कि वुमेन्स के ऊपर वर्क किया है, उनके राइट्स के ऊपर पाकिस्तान ने वर्क किया है, उनको स्टेज पर हम लेके गए हैं बिंगा सोसाइटी के, वो अब क्या कर रही है दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। और देखें आप इस चीज को, क्रिकेट के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसको मोल्ड करके जो है वुमेन राइट्स के अंदर बिंग अ पॉजिटिव पॉइंट पाकिस्तान का इसको ऐड कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। बाकी बाकी स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कितने रन्स ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। पॉइंट होपफुली कि आपको पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा कि वुमेन्स इन स्पोर्ट कैसे, आप लोगों ने स्पोर्ट्स में जो वुमेन्स हैं उनको कैसे आपने पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना है। अच्छा जी, तो कहता है कि यहाँ पर एक और चीज है कि पीसीबी ने कहता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है, और वो ये स्टेप लिया है कि अगस्त के अंदर उसने एक डोमेस्टिक कंटेक्ट किया है जवान जो औरतें हैं वुमेन्स हैं उनके साथ क्रिकेट के अंदर, फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया 11 महीने के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में फिर क्या होगा कि उनको मंथली जो है कुछ पेमेंट दी जाएगी, या उनको, यानी कि उनको कुछ पैसे जरूर दिए जाएंगे, फ्री नहीं वो खेलेंगी, यानी कि उनको जॉब की सिक्योरिटी कह लें या उनके साथ कि आपको फी मैच खेलने के, जो भी इनका पैरामीटर्स है मुझे डीपली नहीं पता, लेकिन कम से कम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि 11 महीने के लिए, और उसमें 74 यंग क्रिकेटर्स हैं और 59 जो हैं वो टोटल जो हैं वो 74 हैं, और उनमें से 59 जो हैं वो अमर्जिंग हैं, अंडर 19 हैं, ठीक है ना। अंडर 19 बेसिकली होता है ये टीम को कहा जाता है, एज को ना आप लोग कहें टीम होती है अंडर 19 वाली जो होती है, इसी तरह अंडर 20 टीम होती है T20 की, ठीक है ना, ये इससे जूनियर होती है ये सीनियर होती है, और 14 जो है वो ऐसी हैं जो पहले ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट बताने का मकसद ये है वो ये है कि पीसीबी ने वुमेन क्रिकेट, वो वाली वुमेन जो क्रिकेट खेलती हैं उनके साथ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है, तो इससे क्या होगा उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलेगी, ठीक हो गया ना। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है जी। तो इंसेंटिव्स जो हैं वो अब टॉप परफॉर्मर जो परफॉर्मर हैं उनको क्या किया जाएगा, दिए जाएंगे, और इससे क्या होगा परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होगी, और इसके साथ साथ इस फील्ड के अंदर कंपटीशन भी बढ़ेगा, और ये अट्रैक्ट करेगा टैलेंट को भी, और पाकिस्तान विल रेडी फॉर द कमिंग वर्ल्ड कप। तो जहर जी देखें किसी भी चीज में, अब कंपिटेटिव डांस में लोग सीएसएस में या पीएमएस में क्यों इतने जान खपाते हैं, क्यों इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उसके इंसेंटिव्स जो हैं वो बिंगा ह्यूमन बिंग हम देखते हैं कि बहुत अच्छे हैं दूसरों से, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि इंसेंटिव्स को लेकर जो है फिर क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और अट्रैक्ट होगा टैलेंट जो है ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक दो चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव जो है पाकिस्तान का जो वुमेन राइट्स के हवाले से पॉजिटिव आप इसको दे सकते हैं, दूसरा जो है इंसेंटिव देने से क्या होगी ये स्पोर्ट्स जो है और स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये इसको आप इस तरह से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। एम्ब्रेसिंग आर्ट्स, इसके अंदर जो बेसिकली जो है फिल्म फेस्टिवल एक हुआ है, ठीक है ना, जद्दा के अंदर रेड सी के नाम के साथ सऊदी अरेबिया में जद्दा में ये हुआ है, तो वहां पर जो है पाकिस्तान की जो कई फिल्में बनी हुई थी उनको भी प्रेजेंट किया गया, तो उसको लेकर ये जो है वो बनाया, उसने एडिटोरियल लिखा है कि अब पाकिस्तान की मूवीज जो है उनको इंटरनेशनल जो है एक कहने के ग्रोथ मिली है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको क्या किया गया, दिखाया गया है, इज्जत अफजाई का मौका मिला, तो उसको लेकर उसने ये चीजें लिखी हैं। कहता है रेड फिल्म फेस्टिवल जद्दा के अंदर हुआ है, ये 2021 के अंदर बना था, ठीक है ना, रेड फिल्म फेस्टिवल पहले तो अभी हुआ है थोड़े दिन पहले, तो वहां पर जो पाकिस्तान की फिल्म है ना उनको दिखाया गया है, जैसे उसका नाम था इन फ्लेम्स एंड बकरी, वन ऑफ अ काइंड, ठीक है, इसको दिखाया गया। शॉर्ट्स फिल्म्स के अंदर जो है सलातिया को दिखाया गया और ईद मुबारक को दिखाया गया। अब ये तो हो गया काम, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि क्या हुआ है इससे, पाकिस्तान का जो सिनेमा है ना उसको ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक पजीराई मिली है, ठीक है, और उसके बाद कल्चरल मेटामोर्फिज्म और सऊदी अरेबिया का हमको देखने में मिला कि सऊदी अरेबिया का पहले जो कल्चर था वो तंग था, कंजर्वेटिव था, ठीक है ना, लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो इसको क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में इसको थोड़ा ओपन आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कहता है कि ये एक सिंबल है कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो सोसाइटियल नॉर्म्स हैं वो बदल रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, ग्रोमिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिवर्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस,
यानी कि अब सऊदी अरेबिया का जो कल्चर है वो थोड़ा ओपन हो रहा है और वो दुनिया के दूसरे कल्चर्स को भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी वो पाकिस्तान के सिनेमा की बात करता है कि सिनेमा जो पाकिस्तान के अंदर है वो सोसाइटिकल और पॉलिटिकल उसको हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजुकात कोई मूवीज बनाई जाती हैं तो वो फिर डिफरेंट रीजंस की वजह से, जैसे सेंसर बोर्ड है उसको जो है रिजेक्ट कर देता है, तो इस वजह से यहाँ पर काफी इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो कहता है नॉट ओनली कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि ये जो वहां पर गए हैं उससे सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज नहीं हुआ मगर एक अपॉर्चुनिटी भी साथ में मिली है पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को कि वो क्या करें, ग्लोबल मार्केट के अंदर उनके लिए ओपन दरवाजे खुल गए हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अपनी प्रोडक्शंस को वो क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो पाकिस्तान स्टोरीज जो हैं कैन बी हियर एट ग्लोबल लेवल, इससे ये बेनिफिट मिला है। यहां तक तो हो गया ना ये स्टोरी सारी की सारी बातें, अब पेपर के परस्पेक्टिव में क्या हुआ। अब यहां से मेरे जहन में कुछ चीजें आई थी तो मैंने वो लिखना मुनासिब समझा, ये मैंने नीचे वाले दोनों मैंने अपने से लिखे हैं, ये एडिटोरियल वाले ने नहीं लिखे। अब आपको मैं बताता हूँ, अभिनंदन का आपको पता है सबको, हाउ इज द टी, टी वाज फंटेस्टिक, आपको पता है पायलट था इंडिया का, पाकिस्तान में आया, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया, जहाज उसका गिरा, उसके बाद उसको पाकिस्तान से वापस भेज दिया। तो जैसे ही वो वापस जाता है तो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री अभिनंदन के ऊपर एक मूवी बनाती है और उसको रिप्रेजेंट करती है एज ए हीरो। एक बात ये होगी आप जहन में रखिएगा ये क्यों होता है, ठीक है। दूसरा, उसामा बिन लादन की रेड होती है, यूएसए वाले क्वेटा में करते हैं और यहाँ से उसामा बिन लादन को पकड़ के ले जाते हैं, ठीक हो गया। और जब वो उसको पकड़ के ले जाते हैं उसके बाद उसको मार देते हैं और उसके बाद समुद्र में फेंक देते हैं उसकी लाश। उसके बाद ओबामा का दोबारा से इलेक्शन होता है अमेरिका में, वो जीत जाता है। अब यही वाली एक मूवी फिर बना देते हैं वो हॉलीवुड वाले, ठीक है। उस हॉलीवुड की मूवी के अंदर बकायदा दिखाया जाता है प्रॉपरली जो स्टोरी है कि किस तरीके से वो पोलियो वाले जाते हैं वहां पर रिगिंग करते हैं और उसके बाद अटैक किया जाता है और उसामा बिन लादन को क्वेटा से पकड़ा जाता है। ये होगी दूसरी स्टोरी, दूसरी मूवी होगी, ठीक है। और ये अर्तुगरुल ड्रामा अभी रिसेंटली आया है जो आप लोगों ने देखा है, ठीक है, ये तीसरी चीज होगी। उसके बाद मुसलमानों के ऊपर जो टेररिस्ट का टैग है कि कोई भी जो दाढ़ी वाला बंदा है वो क्या है, टेररिस्ट है, वो आपने ऑब्जर्व किया हुआ ड्रामों के अंदर अक्सर मूवीज के अंदर, जो कि इंडिया की भी हैं, यानी कि बॉलीवुड की भी हैं और हॉलीवुड की भी हैं। अब ये हो क्या रहा है, अब देखें सादी सी बात बताता हूं अब आपको। उसामा बिन लादन अभिनंदन की अभिनंदन की रियलिटी क्या है आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन जब मूवी बना दी गई अब वो मूवी सालों साल चलेगी, उनके लोग उसे देखेंगे, आने वाली बच्चे देखेंगे जिनके दौर में ये नहीं हुआ, तो जब वो देखेंगे तो वो क्या बिलीव करेंगे, इसके ऊपर ही बिलीव करेंगे। उसामा बिन लादन जो है किसी को नहीं पता ये सच है या झूठ है, उन्होंने पकड़ा इधर से नहीं पकड़ा बाहर, उन्होंने कह दिया सबने मान लिया, मूवी बन गई। अब जब भी देखा जाएगा अब ये जो है सच हो गया। बात ये है कि वही हिटलर वाली बात, हिटलर ने कहा था या किसी और ने कहा था ये मुझे नहीं पता, कि झूठ को इतनी, यानी के कहते हैं कि झूठ को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। तो ये जो मूवीज होती है ना ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बनाई जाती हैं और इनको वाइब्रेट, यानी के वायरल कर दिया जाता है दुनिया के अंदर, कि जो भी बच्चे अगली नस्लें देखती हैं तो वो बिलीव करती हैं कि ऐसे ही है, क्योंकि इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रियलिटी को खोजे कि क्या थी रियलिटी। कुछ लोगों के पास टाइम है वो करते हैं क्योंकि उनकी फील्ड होती है, जैसे अगर हम कर रहे हैं तो हमारी फील्ड है, हम देखते हैं पढ़ते हैं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन किसी आम शहरी के पास, आम स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, जो उसे अवेलेबल फैसिलिटी होगी एंजॉयमेंट वाली उसके थ्रू वो लर्न करेगा। और आपको पता है कि सोशल मीडिया हो गया मूवीज हो गई, ये लोग इजीली देखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं और बच्चे भी वहां से सीखते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि अपनी हर एक स्टोरी को जो झूठ भी है उसको थ्रू मूवीज वो सच बना देते हैं। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि
ये भी पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा चांस है कि रेड सी जैसे है फिल्म फेस्टिवल है तो पाकिस्तान भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं जो नैरेटिव्स हैं उनके ऊपर मूवीज बनाए, उनको दुनिया के अंदर दिखाए ताकि पाकिस्तान का नैरेटिव भी दुनिया के सामने आए। जैसे अगर ये 9/11 का इंसिडेंट होता है उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, पाकिस्तान के कितने फौजी शहीद हुए, पाकिस्तान के कितने सिविलियन शहीद हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे उसके बाद तबाह हो गई, पाकिस्तान के अंदर उसके बाद कैसे सिक्योरिटी थ्रेट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी वजह से कितनी तबाही का सामना उसको करना पड़ा और उसकी वजह से आज हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये चीजें जब सारी की सारी आप फिल्म्स के अंदर, शॉर्ट मूवीज के अंदर, लॉन्ग मूवीज के अंदर आप बनाएंगे तो दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा। कोई किताब नहीं पढ़ने वाला, कोई आपकी बात ऐसे नहीं सुनने वाला। सो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट लाइक दिस। तो ये क्या है, इसीलिए जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है इट इज वेरी पावरफुल। और वो पूर कई कई जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला जो है अक्षय कुमार की बात करता हूँ, तो उसमें ये उसकी मूवीज के अंदर क्या है, सोशल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है अक्सर। वो मुख्तलिफ मूवीज ऐसी भी बनाता है रहा है वहां पर जो वहां के सोशल इश्यूज हैं। तो आम बंदा जो है उस चीज को नहीं समझता, ना उसके पास टाइम है, लेकिन जब आप उन सोशल इश्यूज के ऊपर जो है मूवीज बनाते हैं, लोग देखते हैं, तो लोगों का जहन चेंज होता है। तो आप भी कर सकते हैं, आप जैसे वुमेन, ये जो है अभी थोड़े दिन वुमेन के ऊपर हुआ था कि लड़की को क्या कर दिया गया, जिर्गे ने वो ऐलान किया कि इसको मर्डर कर दो, तो उस जैसी आप भी शॉर्ट मूवीज बना सकते हैं जिसके अंदर जो आपके उलमा कराम है वो उनको आप डाल लें, वो जो रिलीजन हमारा असल जो इमेज है वो सामने आ सके दुनिया के, ताकि हमारे ऊपर ये जो टेररिस्ट का थप्पा लगा हुआ है ये किसने उतारना है, हम लोगों ने उतारना ना। तो बहरहाल मेरा जो वहां पर बात मकसद करने का ये था कि ये वाला जो है आप इसको लाइक दिस पेपर परस्पेक्टिव में अगर लेके जाएं तो आप फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से जो है पाकिस्तान थ्रू मूवीज जो है अपने नैरेटिव्स को दुनिया के सामने ला सकता है और पाकिस्तान अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया को दिखा सकता है। होप आपको काफी चीजें इसमें मे भी समझ आ ही गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे ये जी आप हमारे एडिटोरियल्स खत्म हो चुके हैं, अब इसके बाद हम ओपिनियन करेंगे। और ये एक मीटर आपके बिजली का सामने आ गया और ये पाकिस्तानी आवाम जो है इसके अंदर फंसी हुई है, एंड दैट इज इमेज टुडे पिक्चर है जी आज की डान की। और ये जो है हमने कल जो है नेपरा वाला जो डिस्कस किया था ना एडिटोरियल, अगर आपने लेक्चर लिया तो उसके अंदर हमने ओवर बिलिंग को डिस्कस किया था कि लोगों को क्या किया जा रहा है, ओवर बिल भेजा जा रहा है। तो आज उन्होंने उसको थ्रू पिक्चर आपके सामने रख दिया कि किस तरह से पाकिस्तानी वाम के ऊपर इकोनॉमिकली बर्डन डाला जा रहा है। तो ये थ्रू पिक्चर उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया। सो जी एडिटोरियल्स आपके हो चुके खत्म, नो वी मूव टू वर्ल्ड ओपिनियंस, एंड चार ओपिनियंस हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप कैसा आपको लग रहा है और होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे और साथ में लर्न भी कर रहे होंगे। सो जी फर्स्ट ओपिनियन द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा, ये जो है मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, ये थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान के जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद इसहाक डार साहब वापस आ गए तो इनको सीट से उतार कर दोबारा उनको लगा दिया गया। तो आजकल इनके आते हैं अक्सर इकोनॉमी के, तो ये जी इकोनॉमी के ऊपर सीधा हिट करेगा आपको, बड़ा प्यारा उसने लिखा है। और एक इसके अंदर मैं पॉइंट पहले आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ कि कहना वो क्या चाहता है। प्राइवेटाइजेशन एजेंडा के अंदर वो इसका जो है पूरे के पूरे ओपिनियन का क्रक्स है ना वो ये है कि वो ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है आप कर दें किसकी, पीआईए की, पाकिस्तान रेलवे की, पाकिस्तान स्टील मिल की, ये एक बिल्कुल सही डिसीजन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर आप लोग कर देते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, मतलब जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स पेयर हैं उनका काफी पैसा जो जाया होने से बच जाएगा जितनी जल्दी आप कर देंगे इन तीनों को। ये तीनों कौन हैं, ये हैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। तो ये बात वो कहना चाहता है, ठीक है। अब इस बात को वो बाद में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ क्या करता है, जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं वहां से डाटा उठाते हैं कि कितने पैसे इनके ऊपर जाया हो चुके हैं और अगर हम इनको प्राइवेटाइज नहीं करते तो और कितने पैसे इनके ऊपर जाया होंगे, तो क्या पैसे लगाकर इनको सही किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सारी डिस्कशन वो आगे डिटेल में करेगा, ठीक है। वो जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूंगा। अब आ जाए पेपर की तरफ, ठीक है, और खास तौर पर एसे की तरफ।
और ऐसे में भी खास तौर पर इकोनॉमी की तरफ। तो इकोनॉमी के अंदर ये आपका सीधा सीधा एक ही फिक्र आप देख लें, मैंने लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ सम स्टेट ओन इंटरप्राइजेस, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस ये वाली पी आई ए, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर आती है उनको स्टेट, जो स्टेट के अंदर आती हैं स्टेट ओन इंटरप्राइजेस कहा जाता है उनको, ठीक है ना। तो इनको इंटरप्राइज, कुछ को अगर हम इंटरप्राइज कर दें तो ये भी हेल्पफुल, ये मददगार होंगी टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने में ये हेल्पफुल रहेगी। क्यों हेल्पफुल रहेगी? क्योंकि ये एक्स्ट्रा बर्डन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, एक्स्ट्रा बर्डन है। वो एक्स्ट्रा बर्डन उतर जाएगा तो वो पैसे बच जाएंगे, तो वो पैसे हम किसी और अच्छी जगह पे लगा लेंगे। तो इनकी प्राइवेटाइजेशन कर दें तो क्या हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाएगी, स्पेशली पीआईए, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान रेलवे जो है इसमें जो है, बल्कि तीनों का ही ठीक है, उसने यही कहा कि तीनों का आप लोग कर दें, इन तीनों को वो कहता है कर दें। तो यही आपका पेपर में अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है ना, और कहां पर इकोनॉमी जो है पैसे जाया हो रहे हैं रिसोर्सेज पाकिस्तान के, तो इन चीजों के अंदर आप इसी पॉइंट को स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस आपके सहन में क्लिक होना चाहिए फौरन, किस कैसी पाकिस्तान में कई ऐसी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जो बर्डन हैं, जो फजूल हैं, जो पैसे जाया करवा रही हैं, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम बनी हुई है इकोनॉमी के लिए, जहां पर रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं, अगर उनको प्राइवेटाइज कर देंगे तो यही हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपके जहन में फॉरन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज होना चाहिए, डेट इज द कोड वर्ड, आप लिख के अपने पास रख लें इकोनॉमी के नोट्स के अंदर, पॉइंट लिख लें स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज, और साथ में ये लिख लें तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जब भी आपके सामने जहन में आएगा आप ये इकोनॉमी की बात करेंगे, आपके सामने आ जाएगा, इसमें कोई जबानी याद करने वाली बातें नहीं है, ये सब समझने वाली बातें हैं, ठीक हो गया जी। ये है इसका मेन ओपिनियन का एजेंडा। अब हम आगे इसको देखते हैं कि कैसे वो ये बात करता है, कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर वो हमारे सामने लेकर आता है, जिससे हम भी कहते हैं कि हाँ वाकई इसको कर देना चाहिए। तो जी वो कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो, और जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं फवाद हसन फवाद, अब वो दोनों क्या कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर दें कुछ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को, खास तौर पर पीआईए को, ठीक है, ये दोनों बंदे ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो फवाद साहब हैं ये ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है ना, और बड़े ही कम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट हैं अपनी जनरेशन के, तो वो ये कह रहे हैं कि ये और केयर टेकर गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि पीआईए को क्या कर दिया जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब कुछ हैं वो अपोज कर रहे हैं कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए पीआईए की, ठीक है ना, और इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर वो असल में ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो मिनिस्टर है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उनके कुछ हिडन एजेंडाज हैं, हिडन एजेंडाज यानी कि वो क्या कहते हैं, कुछ लुकी छुपे काम हैं जिनसे वो क्या करना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, यानी कि इस वजह से वो क्या करते हैं, इसको अपोज कर रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट और ये प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो है पीआईए को प्राइवेटाइज करके क्या करना चाहता है, को अपने इंटरेस्ट जो है वो उनको फुलफिल करना चाहता है। तो आगे ये जो ओपिनियन लिखने वाले साहब हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब, ये कहते हैं कि व्हाट एजेंडा कैन दे हैव, क्या एजेंडा हो सकता है उनका जी, कहता चलो ये देख लेते हैं क्या एजेंडा होता है। फिर आगे वो अपनी बात शुरू कर देता है कि क्या कोई बचा है पीआईए के अंदर कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट अभी भी अवेलेबल है कि जिससे फायदा उठाया जा सकता है। तो कहता चलो देख लेते हैं फिर इसको, क्या फायदा ये लोग ले सकते हैं ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो कहता है पांच एयरलाइंस हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से चार जो हैं वो प्राइवेट हैं, चार जो हैं प्राइवेट हैं और एक तो पाकिस्तान की है। अब कहता है वो चार की पांचों की पांचों ये जो एयरलाइंस हैं सारी की सारी, इनके जो हैं सेम चार्जेस हैं, सेम यानी के किराया है इनका, सेम किराया ये जो है चार्ज करती हैं, एक जैसी फैसिलिटीज भी ये देती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो चार प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो पैसे भी कमा रही हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रही हैं, लेकिन जो पीआईए है दूसरी तरफ, पीआईए जो है वो ना तो कमा रही है ना, यानी कि पीआईए नहीं कमा रही, बाकी चार कमा रही हैं, किराया भी सेम है, टैक्स भी सेम है, अपना सर्विसेज भी सेम है, लेकिन इसके बावजूद पीआईए नहीं कमा रही, बाकी चार पैसे कमा रही हैं और टैक्स भी दे रही हैं। अब पीआईए की बात करता है कि कहता है कि पीआईए ने ₹88 बिलियन जो है उनका नुकसान किया पिछले साल, ₹88 बिलियन का पिछले साल नुकसान कर दिया पीआईए ने, और उसके बाद
लास्ट ईयर, और सेल कितना किया 172 बिलियन, ठीक है ना, इतनी सेल की 172 बिलियन की और 88 बिलियन का लॉस कर दिया। तो कहता है ये 51% जो है वो क्या बनता है, लॉस बनता है इन पीआईए का। फिर कहता है उससे पिछले साल पीआईए ने 50 बिलियन का किया, उससे पिछले साल 35 बिलियन का किया। तो अब जब इन सारे नुकसान को, सारे लॉसेस को इकट्ठा किया जाता है तो ये 717 बिलियन रुपीज बन जाते हैं। और अगर पीआईए की जो है यानी कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू अगर लगाई जाए तो वो तकरीबन 900 बिलियन है, यानी कि 900 बिलियन इसकी वैल्यू है और इसने तकरीबन नुकसान जो है पिछले 2-3 साल में 717 बिलियन रुपीज का कर दिया। ये पीए का वो बताता है आपको। आगे वो कहता है कि ये जो 900 बिलियन जो है ना, ये कितने पैसे होते हैं, 900 बिलियन जो इसकी वर्थ है ये कितने पैसे होते हैं, वो सादे से एक आपको मिसाल दे के बताता है। कहता है 900 बिलियन से ना हम 15 आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, 60 लम्स यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, और अगर और कुछ करना चाहें तो 18,000 स्कूल हम पाकिस्तान के अंदर बना सकते हैं इन 900 बिलियन रुपीस के, जो के इस वक्त वैल्यू है पीएए, ठीक है जी। आगे कहते हैं कि ये काम करने की बजाय कि इस पीआईए को कंटिन्यू किया जाए जो कि लॉस मेकिंग है, ठीक है ना, इंस्टेड वी हैव इलेक्टेड टू कंटिन्यू विद द लॉस मेकिंग एंटरप्राइज दैट गिव्स जॉब्स सिविल एविएशन। हाँ जी, वो ये कहता है कि आगे ये है कि ये जो है पीआईए ये लॉस मेकिंग है, ठीक है, तो हम अगर इसको कंटिन्यू करें, वी हैव इलेक्टेड टू कंटिन्यू, इसके ऊपर सारा मैंने बताया कि इतना ये नुकसान कर रही है, इसके बावजूद हमने यही फैसला किया हुआ है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ये लॉस मेकिंग है, ठीक है ना, और ये 8,000 इम्प्लॉयज हैं उनको क्या करती है, इसने जॉब दी हुई है, कभी सिविल एविएशन को इसने कुछ नहीं दिया, कभी पीएसओ का ये पेट्रोल के पैसे देती है, कभी नहीं देती, तो पीए क्या कर रही है, पैसों को जाया कर रही है। और गवर्नमेंट किस, कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी बोर्ड हो तो इसके अंदर इसने हमेशा क्या किया है, पैसे जाया ही हुए हैं पीआईए के अंदर। और अगर 15 साल का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 109 बिलियन रुपीस डायरेक्टली जो है वो पीआईए के अंदर जो है खर्च किए हैं, और इसके अलावा 263 बिलियन के जो बैंक लोन्स भी हैं। तो वो कहता है कि ये सारी चीजें क्या है, सिंपल ट्रूथ ये है कि कहता है ये सारा कुछ बताने का मेरा मकसद ये है कि पीआईए अब इस काबल भी नहीं, बियॉन्ड रिपेयर, कि हम इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो कहता है कि सबसे अच्छा काम ये है कि हम पाकिस्तानी टैक्स पेयर जो है ना उनके पैसे को बचाएं और प्राइवेटाइजेशन कर दें इस एयरलाइन की। हाँ, जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनकी जॉब की हम सिक्योरिटी उनको दे दें, यानी कि उनको अल्टरनेट कोई प्रोवाइड कर दें। तो जनाब ये है पीआईए की स्टोरी, वो आपको बताता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और आगे वो जाता है प्राइवेटाइजेशन के अमल को लेकर रेलवे के पास। वो कहता है पाकिस्तान रेलवे की मैं अगर बात करूं तो वो क्या है, 45 बिलियन रुपीस जो हैं उनको पाकिस्तान ने दिए थे अपने ऑपरेशनल लॉसेस को कवर करने के लिए, और उसके साथ साथ रुपीस 25 बिलियन और भी दिए थे इसलिए के एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए, और टोटल 70 बिलियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको दिए थे पाकिस्तानी रेलवे को। कहता है इससे एक साल पहले इनको 59 बिलियन रुपीस दिए गए, उससे एक साल पहले इनको 56 बिलियन रुपीस दिए गए, और कहता है 15 साल के अंदर पाकिस्तानी रेलवे को 783 बिलियन रुपीस की सब्सिडी जो है वो दी गई, और अभी प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है, 1000 बिलियन। ये किसकी बात कर रहा है, पाकिस्तानी रेलवे की बात कर रहा है, यानी कि सब्सिडीज के ऊपर चल रहा है हर साल इनको, बजाय ये कि ये पाकिस्तान को ये कमाकर दे रेलवे, पाकिस्तान को उल्टा पाकिस्तान को पैसे देने पड़ते हैं इसको जिंदा रखने के लिए। तो आगे वो एक बड़ी प्यारी बात करता है कि ये क्यों तबाह हो रहा है, उसकी ये बात करता है। वो कहता है कॉस्ट ऑफ डीजल की बात करता है, कहता है कि जो डीजल की प्राइस है ना, अगर 1 किलोग्राम कार्गो को चलाना हो ना तो वो तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा लगता है अगर आपने ट्रक पर चलाना हो ट्रेन की निस्बत, यानी कि ट्रेन की निस्बत अगर 1 किलोग्राम कार्गो लेके जाना है तो जितना डीजल खर्च होता है तो वो ट्रक से 3-4 गुना कम खर्च होता है। लेकिन इसके बावजूद कहता है कि पाकिस्तान रेलवे के जो चार्जेस है ना कार्गो के, वो ट्रकों से बहुत ज्यादा है। तेल कम खर्च होता है लेकिन रेट्स बहुत ज्यादा है कार्गो के,
तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग फिर ट्रेन के ऊपर नहीं बल्कि क्या करते हैं, ट्रक्स के ऊपर अपना सामान भेजना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तो इनको ये चाहिए ना, जब तेल का खर्चा कम है तो कार्गो के जो रेट्स हैं उनको भी थोड़ा कम कर दें ताकि कस्टमर्स जो हैं वो इनके पास आएं। दूसरी तरफ वो कहता है कि जो पैसेंजर्स हैं, हालांकि ट्रेन का सफर जो है कंफर्टेबल भी है, सेफर भी है, लेकिन इसके बावजूद जो मेजोरिटी है पाकिस्तानी इसकी, वो प्रेफर करती है कि हम बसों के अंदर ट्रैवल करें। क्यों? क्योंकि इसकी यही वजह है कि बसेस के अंदर वो क्या, यानी कि हमेशा जो रेलवे को क्या करते हैं, बसेस को हमेशा रेलवे के ऊपर क्या करते हैं, तरजीह देती हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही सर्विस के अंदर, रेलवे वाले जो है इम्प्रूव भी नहीं कर रहे। और ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है, वो यही चाहती है कि वो बल्कि अभी और 7 बिलियंस की जो है वो डिमांड कर रही है ताकि ट्रैक्स वगैरह को क्या किया जा सके, सही किया जा सके। तो ये वो स्टोरी बताता है कि पैसेंजर्स हो गए और दूसरे हो गए पाकिस्तान के अंदर, वो रेलवे की बजाय बसों को जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आगे वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछता है, यहाँ पर ये वो सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पैदा कर आपके अंदर। वो क्वेश्चन ये है कि क्या कभी रिफॉर्म्स हो चुकेंगी, हो सकेंगी इसके अंदर, क्या जो है रोड ट्रांसपोर्ट के साथ ये कम्पीट कर सकेगा, और क्या इसकी इनएफिशिएंसी और जो पॉसिबली ग्राफ्ट है यानी कि कीपिंग लॉस बिलियंस, तो क्या इसको हम रिपीटेडली क्या करते रहेंगे, बार बार इसको पैसे ही देते रहेंगे इसको बेल आउट करवाने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस करता है। फिर आगे चलता है, फिर आगे वो जाकर ये कहता है कि हमारा जो रेलवे मिनिस्ट्री है ना, जो कि पाकिस्तान रेलवे जो है रन कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो रेलवे इंटरेस्ट के लिए काम करती है, कंज्यूमर और टैक्स पेयर के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करती। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान जो रेलवे है ना, उसका रोल जो है ना उसको कम कर दिया जाए, वो ऑपरेट ना करे बल्कि उसका रोल क्या कर दिया जाए, रीडिफाइन कर दिया जाए और उसको रेगुलेटर के तौर पर ले लिया जाए। रेगुलेटर के तौर पर क्या मतलब है कि पाकिस्तान रेलवे जैसे मिनिस्ट्री थी ना, नेपरा पैमरा थी ना, नेपरा थी, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा थी ना, हमने कल इसकी बात की थी। तो इसी तरह से वो कहता है इसकी जो पाकिस्तान रेलवे की मिनिस्ट्री है ना, इसको रेगुलेटर ये बन जाए। रेगुलेटर बन के क्या करेगी कि ये अपने जो रेलवे ट्रैक हैं, अपनी जो ट्रेनें हैं, वो प्राइवेट लोगों को दे देगी और उनको कहेगी चलाओ, उनसे पैसे ले लें, आगे वो अपने हिसाब से इसको चलाएं, ठीक है ना, अपने हिसाब से किराया लें, नुकसान के वो जिम्मेदार होंगे, वो जो करना होगा वो करेंगे। तो ये सिर्फ रेगुलेटर बन जाए, ये ऑपरेटर ना बने, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमको क्या चाहिए, प्राइवेटाइज कर दें ट्रैक्स को भी और ट्रेन्स को भी मल्टीपल ऑपरेटर्स के पास, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हम एज ए वर्किंग नहीं करेंगे ऑपरेटर, हम एज ए वर्किंग करेंगे, पाकिस्तान रेलवे जो मिनिस्ट्री है वो वर्किंग करे एज ए रेगुलेटर। तो इससे क्या होगा कि काफी जो भी चार्जेस होंगे वो उनकी जिम्मेदारी होगी, ट्रैक को सीधा करना, ट्रैक को सही करना, ट्रेन को अपग्रेड करना, तो वो जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, फिर अपना जो किराया है वो बढ़ा लेंगे और ये पाकिस्तान की जो रेलवे की सरदर्द खत्म हो जाएगी और वो अपने से ही ये सारे का सारा काम करेंगे। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप पाकिस्तान रेलवे को रिफॉर्म करना चाहें, ठीक है। आगे वो कहता है एक और बात कि कच्ची आबादी की बात करता है। कच्ची आबादी से मुराद ये है कि जैसे आप अगर देखते हैं ये रेलवे ट्रैक है तो उसके साइडों के ऊपर आपको पता है कितनी जगह बची होती है, तो वहां पर अक्सर लोग अपने घर वगैरह बना लेते हैं और किस तरह के काम कर लेते हैं। तो कहता है, इसकी बात करता है कि पाकिस्तान रेलवे की जो जमीन है ना कच्ची आबादी वाली, उसको रेगुलेज किया जाए और ओनरशिप दी जाए जो वहां पर गरीब लोग हैं उनको, और इसके अलावा जो बाकी जमीन बच जाए उसको क्या किया जाए, उसको क्या सेल कर दिया जाए, ताकि जो सैलरीज है ना जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं उनको रिटायरमेंट तक सैलरीज दे दी जाए, ताकि बर्डन जो इकोनॉमी के ऊपर से कम हो जाए। यहां तक वो रेलवे की बात करता है। आगे आ जाता है पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऊपर, इसकी बात करता है। तो पाकिस्तान स्टील मिल्स के बारे में वो कहता है कि ये 8 साल से बंद है लेकिन अभी भी इसके मुलाजमों को क्या किया जा रहा है, तनख्वाहें दी जा रही हैं। और इसमें कहता है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स में के ऊपर जो है वो तकरीबन 100 बिलियन रुपीज हैं जो कि नेशनल बैंक और सुई सौथरन के इन्होंने देने हैं, ठीक है ना। तो कहता है इसका जो रीजनेबल वे है ना पैसे देने का, कंपनसेट करने का इस डेब्ट को, वो ये है कि जनाबे अली आप क्या करें कि जो पाकिस्तान स्टील मिल की जो लैंड है ना उसके ऊपर आप जो है उसको देख लें, ठीक है ना। जब लैंड कितनी है, 20,000 एकड़ थी जब पाकिस्तान रेल स्टील मिल को स्टार्ट किया गया था, और उसमें से 5,000 एकड़ वो वाली थी जहां पर मिल लगाई जानी थी और बकाया जो थी वो ऐसे ही स्ट्रीम इंडस्ट्रीज के लिए थी। अब कहता है उसमें से 2,000 एकड़ जो है
2000 एकड़ थी इंक्रोचमेंट के अंदर आ गई और 15000 एकड़ जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क को दे दी गई, और बाकी की जो है ना वो कहता तकरीबन 8000 एकड़ है वो जमीन जो 8000 एकड़ है ना उसको बेचकर जो इन दोनों के पैसे जो सुई सोथरन के हैं और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं वो आप लोग पैसे उनको दे दें। आगे वो कहता है कि स्टील मिल जो है वो रशियन मेड बनी हुई है 1960 से, तो इसको अगर हम सेल भी कर सकते हैं और रिवाइव भी कर सकते हैं, लीज पे भी हम इसको दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको कंटिन्यूसली आप पे कर सकेंगे बाय देर रिटायर, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। तो ये बात है, यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लीज पे दे देते हैं इसको तो फिर भी यानी कि यहाँ से इतने पैसे आ जाते हैं कि आप इसके जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। एंड फाइनली वो कहते हैं नो बेटर प्लेस केयर टेकर गवर्नमेंट एंड SIFC टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, इससे बेटर प्लेस हो ही नहीं सकती अगर ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और SIFC, ये है स्टेट इनिशिएटिव फॉरन, अभी मैं इसको देख SIFC उस दिन हमने बात किया था, ये इनिशिएटिव है यानी कि इसके अंदर ये होता है कि आप लोग ये एक वन विंडो ऑपरेशन है, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने करनी है तो इन SIFC के बाद फैसिलिटेशन सेंटर है कोई, वहां पर आकर आप लोग क्या करते हैं इनसे डिस्कस करते हैं कोई भी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी हो, फॉरन डायरेक्ट फॉरन ने अगर पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगाना हो। तो कहता है इनके पास इससे अच्छी और कोई अल्टरनेट है ही नहीं कि वो क्या करें कि वो प्राइवेटाइज कर दें PAA को, पाकिस्तान स्टील मिल को, पाकिस्तान रेलवे को, इन सब को। और आगे वो कहता है कि अगर हम इन स्टेट और एंटरप्राइजेस के अंदर और पैसे लगाते जाएंगे तो पैसों को वेस्ट करेंगे, बार बार वेस्ट करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होना, तो हम इसको क्या करें, ये बेहतर यही है कि हम इनको प्राइवेटाइज करते हैं। और फाइनली वो कहता है कि प्राइवेटाइजेशन का जो एजेंडा है उसमें क्या है, इम्प्रूव होगी इकोनॉमी पाकिस्तान की, और जो मिनिस्टर जो है शुरू वाला जो प्राइवेटाइजेशन का जो करने जा रहा था वो बिल्कुल सही करने जा रहा है, उसको किसी का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है बल्कि उसको चाहिए कि वो अपना काम करे। तो जनाब ये है इस ओपिनियन के अंदर, और हेल्पफुल रहेगा ये आपका कहाँ पर जनाब, इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी ये में डायरेक्ट फिट होता है, बड़ा ही ये एक सीधा सीधा टेंजिबल चीज है, समझने वाली चीज है, किसी आम इंसान को भी बताएंगे तो उसको भी समझ आ जाएगी, कोई इसमें वो बड़ी इकोनॉमिस्ट वाली बातें नहीं। सेकंड आपका जी ओपिनियन, और वैसे ही चैप्टर नंबर हमारा ये 5 बनेगा। इटर्नल रिटर्न ऑफ मिस्टर डार, इटर्नल होता है एंडलेस, जो कभी खत्म ही ना हो, एग्जिस्टिंग फॉर एवर। मिस्टर डार कौन है, इसहाक डार की बात कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ठीक है ना, उसको तो पर्सनालिटी, उसको तो डिस्कस हमें पेपर पर्सपेक्टिव में करने की हमको जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि पेपर में पर्सनालिटीज नहीं डिस्कस की जाती, आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं, वो किसी भी के भी हो सकते हैं, किसी इंसान के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी स्टेट के, आइडियाज पे फोकस होना चाहिए, पर्सनैलिटीज पे नहीं। लेकिन इस पे मैं इसलिए डिस्कशन करूंगा क्योंकि इसने जो है दो ऑप्शंस इकोनॉमी की डिस्कस की है, नो डाउट उसने कहा कि मिस्टर डार उसमें से कौन से चूज करते थे, लेकिन बेसिकली इसको डिस्कस करने का मकसद यह है कि ये इकोनॉमी जो है वो डिस्कस करेगा। तो जी इसमें पहले क्रक्स बता देता हूँ, सीधी सी बात है, ये मैंने इसका क्रक्स निकाल के रख दिया है दो तीन वर्ड्स के अंदर। वो कहता है कि मिस्टर डार, इसहाक डार की बात करता है कि जब भी कोई बंदा पावर में आता है, कोई भी हो, इसहाक डार की बात नहीं, कोई भी पावर में आता है, फाइनेंस मिनिस्टर लग जाए या फाइनेंस को देखने वाला लग जाए, तो उसके पास हमेशा दो ऑप्शंस होती हैं, हमेशा दो ऑप्शंस होती हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करेगा। नंबर वन एक होती है रिफॉर्म प्रोग्राम, रिफॉर्म्स के अंदर होता है कि आप देखें कहाँ पर पैसे जाया हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं उनको आप चेंज करें, जो फजूलियात हैं उनको खत्म करें, अपलिफ्टमेंट करें, जोड़ तोड़ करें, जो भी करना है करें, तो उसको आप रिफॉर्म्स करें, शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म्स बेहतरी करके, तो आप क्या कर लें अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लें। और कहता है ये वाला जो रास्ता है ये बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, रिस्की होता है, आपको बड़े लोगों की बात भी सुननी पड़ती है, आपको बड़े दुश्मन भी बनाने पड़ते हैं, आपको बड़ी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है जब आप इस रास्ते पे चलते हैं रिफॉर्म्स प्रोग्राम के ऊपर। बहरहाल ये एक रास्ता होता है। दूसरा रास्ते के लिए उसने वर्ड यूज किया हंकर डाउन। दूसरा रास्ता ये होता है कि जनाब हंकर डाउन हो जाओ। अब हंकर डाउन क्या होता है, हंकर डाउन ये होता है कि तजीम के साथ जो है घुटने टेक कर अगले के सामने खड़ा हो जाना, इसे कहते हैं हंकर डाउन होना, ठीक है ना।
ये नहीं कि हर उस चीज को करने से अवॉइड करना जिससे ये लगे कि लोग जो है उसको नोटिस करेंगे और मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। यानी कि कोई किसी जैसा सिस्टम है ना उसको वैसा ही रहने देना, लेकिन प्यार मोहब्बत से मिलजुल के यानी कि मुक मुका करके काम को चला लेना, इसे कहते हैं हंकर डाउन, तंग नहीं करना, ठीक है ना। तो हमेशा से ये दो ऑप्शंस होती हैं और ये इजी वाली ऑप्शंस है, मिलो अमीरों से बातें करो, उनको कुछ फायदा दो कुछ फायदा लो और बस ठीक है। तो इसहाक डार के बारे में वो कहता है कि हमेशा से उसने यही वाली ऑप्शन चूज की है, ये वाली ऑप्शन के ऊपर वो कभी नहीं गया। और बात वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की दोबारा गवर्नमेंट आती है तो इसहाक डार ही आएगा और वो दोबारा से अपनी यही वाली हंकर डाउन वाली जो है इकोनॉमी की अप्रोच को प्रैक्टिस करेगा। और फिर वो बताता है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी उसने इसी को ही प्रैक्टिस किया था। तो इससे भी आपको आइडिया होगा कि इकोनॉमी पाकिस्तान की क्यों नहीं बेहतर हो रही, क्योंकि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स नहीं करता, छोटी छोटी शॉर्ट टर्म्स करता है। और शॉर्ट टर्म्स इसलिए करता है क्योंकि मजबूरी है, हर 5 साल बाद इलेक्शन आ जाता है, तो हर एक जो है पॉलिटिशियन ये चाहता है कि मुझे रिवार्ड मिले कि मैंने सारी इकोनॉमी ठीक कर दी है। अगर वो 10 साल या 20 साल लंबी प्लानिंग पे जाता है तो उसका उसे क्या फायदा, अगर आज कोई एक काम शुरू करता है उसका 20 साल बाद जाके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो वो तो नहीं कर सकता ना, उसको क्या फायदा। तो पाकिस्तान फिर इसके लॉन्ग टर्म जाता नहीं है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, दे ये इसलिए लॉन्ग टर्म जाते हैं, इसकी एक रीजन ये भी है। ठीक हो गया जी, तो ये होगी इसके अंदर बात, हंकर डाउन के ऊपर फोकस रहेगा उसका। और वो आपको ये भी बताएगा कि प्रीवियसली जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना है इसकी अप्रोच यही रही है और आगे जाकर भी ये चेंज होने वाली नहीं है। तो जी अब इसके अंदर क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। कहता है कि एक क्वेश्चन है मेरा कि इलेक्शंस के बाद जो सेटअप होगा क्या इसहाक डार उसमें दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, कहता है ये मेरा क्वेश्चन है। और कहता है कि फिर कहता है कि हाँ बिल्कुल बन जाएंगे, इसका कहता है जवाब ये है कि हाँ बन जाएंगे। कहता है अगर नहीं भी ना बनते तो कम से कम उनको ये जो है अपना स्टेज जरूर मिल जाएगी कि उनका जो है फाइनेंस के अंदर जो है क्या हो, उनका हमेशा से यानी कि फाइनेंस उनके बगैर नहीं चल सकेगी, हमेशा उनकी सलाह से ही चलेगी। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं भी ना बनते, कुछ और किसी और को वो सीट दे दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान का फाइनेंस वाला काम है ना वो उनसे ही होगा, उन्हीं की सलाह मशवरे से चलेगा। और कहता है इसकी रीजंस क्या है, तो कहता है एक रीजन तो ये है कि नवाज शरीफ, अगर मैं ये बात करूं कि नवाज शरीफ के वो रिश्तेदार हैं अपने बच्चों की, उनकी तरफ उन्होंने शादियां की हुई हैं, चलो ये तो कहता ठीक है, लेकिन कहते हैं कि फिर जब भी वो पावर में आते हैं तो हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्यों ही चूज करते हैं, अगर वो रिश्तेदार हैं तो किसी और मिनिस्ट्री को भी तो चूज कर सकते हैं, उनको कोई और भी तो मिनिस्ट्री वो दे सकते हैं ना, हमेशा फाइनेंस को ही क्यों चूज करते हैं। तो कहते हैं कि ये चीज समझने के लिए कि वो फाइनेंस को ही चूज क्यों करते हैं, हमें पहले पाकिस्तान का जो है इकोनॉमी को देखना पड़ेगा कि वो कैसी है। तो कहता है पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान, फिर वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करता है, कहता है कि पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ना, पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, यानी कि वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन ही स्टैग्नेंट है और ज्यादातर ये श्रिंक रहती है, लो ग्रोथ इसकी रहती है, ठीक, हर साल के बाद हर दूसरे साल पुरानी इंडस्ट्रीज वही काम कर रही हैं, कोई नई इंडस्ट्रीज भी नहीं आ रही, ठीक है ना। और उसके बाद वो फाइनली ये कहता है फिर ज्यादातर ये इनको क्या करना पड़ता है, बाहर से कैपिटल उधार लेना पड़ता है, उसके ऊपर ये चलती हैं, अकोमोडेट करना पड़ता है मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज को, ठीक है ना, मॉनिटरी पॉलिसीज को अकोमोडेट कर लेना, फिस्कल पॉलिसीज को अकोमोडेट कर लेना, बाहर से पैसे उधार ले लेना, तो ऐसे कामों के ऊपर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना चलती जा रही है शुरू से, ठीक है। कहता है इकोनॉमी की आपको समझ आएगी कैसी है हमारी, ठीक है। फिर कहता है कि दो ऑप्शंस होती हैं हर एक पॉलिसी मेकर के पास जो भी पावर में आता है। पहली ऑप्शन क्या है, वो मैंने जैसे आपको बताई, पहली ऑप्शन है जी रिफॉर्म्स करना, तो रिफॉर्म्स प्रोग्राम वो शुरू कर दे, तो उससे क्या होगा कि रिफॉर्म्स करने से क्या होगा, वो देखेगा कि क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पर खराबी है, वहां वहां पर वो खराबी को सही करेगा। लेकिन कहता है कि ये जो रिफॉर्म्स वाला रिश्ता है ना ये बड़ा ही मुश्किल है,
इससे इस ये रिस्क का फेल होने का बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है ना। इसके अलावा जो अलीट क्लास है वो आपके अगेंस्ट हो जाती है, जैसे अगर यहाँ से मेरे अपना अपना भट्टो साहब का मेरे जेहन में आ जाता है, आइए वाली बात, कि जो भट्टो साहब थे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर, उन्होंने रिफॉर्म्स की थी अपने टेन्योर के अंदर, उन्होंने जाकर डायरेक्ट ही जो जागीरदार से उनसे मत्था लगा लिया, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दी, उन्होंने कहा कि ये इस लिमिट से ज्यादा कोई भी बंदा जो है वो जमीन नहीं रख सकेगा। तो फिर क्या किया, जाहिर है कईयों के पास हजारों एकड़ थी, तो उन्होंने जब लैंड रिफॉर्म्स की कि इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, तो डायरेक्ट ही उन्होंने पंगा ले लिया उनके साथ, वो उसके खिलाफ हो गए। और इसके साथ साथ और क्या हुआ, उन्होंने कर दिया नेशनलाइजेशन कर दी बड़े बड़े इदारों की, जिनसे लोग पैसे कमा रहे थे बैंक्स की, कि ये गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। तो ये इस तरह के काम करने से क्या हुआ, पाकिस्तान के हक में तो काफी बेहतर थे, मगर नुकसान हो रहा था किसका, अमीरों का। और इसके साथ साथ अभी चले मेरे जहन में आ रहा है तो बता देता हूँ, जो आपकी पाकिस्तान स्टील मिल है ये भी भट्टो साहब के दौर में लगी, और ये रशिया ने उसको लगाकर हमको दिया था, यानी कि रशिया ने लगाकर दिया मतलब कि भट्टो साहब डाइवर्ज कर रहे थे टूवर्ड्स रशिया। तो इस ये भी यूएसए को भी ना पसंद है कि वो कोई मुल्क जो है वो रशिया की तरफ डाइवर्ज करे, तो इस वजह से भी वो भट्टो साहब ने क्या है कि सारे काम ऐसे किए कि चौधरियों के साथ पंगा लेने वाले काम कर लिए। तो फाइनली रिजल्ट आपके सामने ही था कि क्या निकला, ठीक है जी। तो यही बात वो कर रहे हैं कि जनाब रिफॉर्म्स करेंगे तो फिर जो अमीर लोग हैं वो तंग होंगे, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, ये एक जो है डिफिकल्ट रास्ता है। और इसके अलावा वो ये चीजें यानी कि बताता है, फिर शॉर्ट टर्म आपको पेन भी लेनी पड़ेगी, आपको जो राइजिंग टैक्सेस का बर्डन भी महसूस करना, यानी कि बर्डन लेना पड़ेगा, और हो सकता है कई इंडस्ट्रीज आपको बंद भी करना पड़े जो फजूलियात हैं। जैसे अगर हम ऊपर वाली बात करें, जो पीएए वाली बात है, पाकिस्तान स्टील मिल की बात है, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान रेलवे की बात है, फिर आपको रिफॉर्म्स करने चलेंगे तो फिर ये सारे काम करने पड़ेंगे, आपको बंद करनी पड़ेंगे, बंद कर देंगे किसी का फायदा और नुकसान हो आप नहीं सोचेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, ये सारे काम करके रिफॉर्म्स करेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है और बड़ा ही टफ पाथ है जिसके ऊपर इसके ऊपर चलना। तो एक तो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता ऑप्शन ये है हंकर डाउन। हंकर डाउन में क्या है, किसी को नहीं छेड़ना जनाब, ये जैसे चल रहा है ठीक है ना। तो बस ये देखना है कि पैसे जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट मोर फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से और ज्यादा पैसे आपने कैसे बनाने हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि ये अज्यूम करना कि यानी कि इसमें ये होता है कि सारी की सारी जो पावर होती है वो आपके पास आ जाती है, आप वॉच डॉग होते हैं इकोनॉमी के, आप ये देखते हैं कि कौन कितने पैसे बना रहा है, कौन कहाँ सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, किस कीमत पे सेल कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। तो जितने ज्यादा को पैसे कमा रहा है उसके ऊपर उतना ज्यादा टैक्स लगा दो और उससे जनाबे लिए आप लोग पैसे कमा लो। तो ये है हंकर डाउन ऑप्शन, और इसी के ऊपर वो विंड फार टैक्स की बात करता है। और विंड फार टैक्स आपको पता है इन्होंने बैंक्स के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले लगाया था, और उसमें इन्होंने कहा था कि 40% तक जो है विंड फार टैक्स जो है वो लगेगा। अब विंड फार टैक्स होता है कि जब किसी का जैकपॉट लग जाए ना, लॉटरी लग जाती है, अचानक से पैसे किसी को मिल जाए, तो उसको उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कहते हैं विंड फार टैक्स। तो बैंकों ने पिछले 2 साल के अंदर बड़ा पैसा पाकिस्तान में बनाया है, तो जब गवर्नमेंट को पता चला कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा दिया, 40% भाई हमें भी दो, अकेले ना खाओ, तो इसे कहते हैं विंडफॉल टैक्स। तो ये कौन करते हैं, हंकर डाउन, यानी कि रिफॉर्म्स नहीं करने, जो पैसे लोग कमा रहे हैं उनसे ले लो, बस ये ध्यान रखो कौन कितना कमा रहा है, ठीक है ना। और बस आगे क्या है जी, आगे ये देखना है कि जो एक्सपोर्टर्स है ना उनके साथ बार्गेन कर लो, उनकी बात मान लो, एक्सचेंज रेट जो है उसको सेट कर लो, उसको ऊपर नीचे कर लो, उसके यानी कि उन इसके सब्सिडीज उनको दे दो, जो बिजनेसमैन है उनको एनर्जी के अंदर सब्सिडीज दे दो, जैसे वो खुश रहते हैं उनको खुश रखो। तो इस तरह के काम करके इनको कहते हैं हंकर डाउन अप्रोच। आगे फिर वो कहता है कि जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो वहां पर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट्स को ही चेक किया जाता है और डाटे को मैनेज किया जाता है इस तरह से कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो डाटा देखे तो वो कहे बिल्कुल सही काम हो रहा है। तो पाकिस्तान यानी कि इकोनॉमी की बात करता है कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी चूज करना पड़ेगा इन दो ऑप्शन में से, पहली या दूसरी, ठीक है ना, हंकर डाउन कौन सी। लेकिन वो कहता है कि डार साहब ने हमेशा हंकर डाउन ऑप्शन ही चूज की है, और 1990s की बात करता है उसके अंदर भी कहता है इन्होंने कंट्रोल लिया था इकोनॉमी का फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ,
हम लोगों ने वो न्यूक्लियर धमाके कर दिए तो हमारे ऊपर पाबंदियां लग गई, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो शॉर्टेज हो गई, सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो हमारा जो है ना रिसोर्सेज जो वो कम हो गए, तो फाइनली जो उस वक्त फिर हम फेल हो गए टोटली, और एट गेटिंग और IMF से हमको पैसे भी नहीं मिले, तो हमें काफी नुकसान उस वक्त हो गए। उसके बाद कहते हैं इनकी सेकेंड टर्म थी 2013 से लेकर 2017 तक, तो उसके अंदर भी जो है उस वक्त जो प्रॉब्लम, यानी कि 1990 के बाद से जो ना 2013-17 में जो माहौल था वो काफी रिलैक्स था, ठीक है ना। लेकिन इनके जो इन्होंने फिर वही अपनी पुरानी वाली हंकर डाउन वाला मोड जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किया, और इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके रखा, एक्सचेंज रेट को कॉन्स्टेंट रखा, आर्टिफिशली जो है इन्होंने डॉलर को क्या किया, बोरो कर लिया बिलियंस इन द इकोनॉमी। तो उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेट जो है वो एंड पे क्रैश हो गया, यानी कि हंकर डाउन की इनकी दोबारा से भी नहीं चली। एंड 2022 की बात करता है कि दोबारा से जब ये आते हैं, जब इनको इन बाहर के मुल्क से आते हैं, तो अभी मैंने जैसे ऊपर वाले को बताया जो इनका फर्स्ट ओपिनियन लिखा हुआ है मिफ्ता इस्माइल साहब का, तो मिफ्ता इस्माइल साहब क्या थे, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से, उनको उतार कर इनको दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। तो कहता है अब इसमें क्या हुआ, कहता है दोबारा से जब ये आते हैं तो फिर दोबारा से वही वाली अप्रोच यूज करते हैं, और नवाज शरीफ भी जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो कहता है वो भी यही अप्रोच यूज करता था। तो यहाँ पर जब ये आती है ना तो ये भी इसी तरह करते हैं, जो डॉलर का एक्सचेंज रेट था ना वो तो फ्री मार्केट में होता है, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियली उसको क्या कर दिया, अपना रोक दिया, इम्पोर्ट जो है उनको रोक दिया, फॉरन रिजर्व एक्सचेंज बढ़ा स्टोर करने के लिए, तो उससे भी पाकिस्तान को काफी नुकसान करना होना पड़ा हुआ था। तो कहते हैं कि अब अगर दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट में आती है ना तो फिर जो सीट है दोबारा जो है वो इन्हीं के पास ही जाएगी, इसहाक डार के साथ पास ही जाएगी, तो और इकोनॉमी जो है इनके अंगूठे के नीचे ही रहेगी। तो समझ लें कि फिर नेक्स्ट जो है पाकिस्तान में क्या होने वाला है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो किधर जाने वाली है। तो जनाब ये था इसके अंदर सेकेंड ओपिनियन के अंदर। आ जाते हैं अब आपके थर्ड ओपिनियन के अंदर, और ये हमारा चैप्टर रहेगा 6-1। ये बात करेगी आपकी यूथ की। अब बज़ वर्ड, बज़ वर्ड बेसिकली अगर हम कहते हैं ना किसी चीज को जो है किसी स्पेसिफिक डेज के अंदर ज्यादा इस्तेमाल किया जाना, जैसे पॉलिटिकल पॉलिटिशियन जो है इलेक्शंस के दिनों में, या यूथ का वर्ड बड़ा यूज करते हैं, यूथ यूथ, तो इस तरह इसको कहते हैं बज़ वर्ड, फैशनेबली जिसको यूज किया जाए। अब इसमें वो कहती क्या है बेसिकली, ये क्रक्स है जिसका मैं बता देता हूँ। वो ये कहती है कि पॉलिटिशियन जो है ना उनको चाहिए को डायरेक्टली इंगेज करें अपने यंग माइंड्स के साथ, डायरेक्टली उनके साथ मिलें, उनसे बातें करें, डिस्कशंस करें, जो इश्यूज हैं उनके सुने और अपनी पॉलिसीज उसके मुताबिक बनाएं, ठीक है ना। कहता है पाकिस्तान में क्या है कि जब ये बात वो कहती है होनी चाहिए, तो कहती है पाकिस्तान में ये देखा गया है कि ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी में आप लिख सकते हैं, इकोनॉमी की काजिज के अंदर आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस। ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस क्या है, अंडर गोइंग ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस ये है कि आपके पास टैलेंटेड लोग नहीं है, लोग तो हैं, आबादी तो है, लेकिन स्किल्ड नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, जो कुछ कोई अच्छी चीज बनाकर हम जिन उनसे बनवाएं और आगे बेचें, तो ये आप इकोनॉमी में लिख सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन। अब इसका जो आगे इसका सोल्यूशन क्या है, कि इसका ओनली वे आउट क्या है कि स्किल इन्हांसमेंट की जाए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, स्किल जो है वो बढ़ाई जाए लोगों में, ठीक है। तो वो ये बात करती है इसके अंदर कि ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर यूथ के अंदर। एंड आगे वो कहती है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए, एंगेज करे जो पॉलिटिशियंस हैं यंगस्टर्स को डिजिटल मीडिया के थ्रू, जैसे एक्स है ट्विटर जैसे बोलते थे, वेबिनर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज में जाएं, वहां पर लोगों के साथ मिलें, जैसे अभी जो है PM साहब गए और उन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी में भी जो है केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है वह गए थे लम्स यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह के काम करें। तो कहती है इससे क्या होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूथ सिर्फ सुनेगी नहीं बल्कि अपने आइडियाज भी डिलीवर करेगी कि यार इस तरह करो उस तरह करो, तो इससे क्या होगा जो पॉलिसी मेकिंग है ना वो बेहतर हो जाएगी इस प्रोसेस से। तो ये बातें इस तरह की वो जो है वो इसके अंदर करती है। तो चलिए देख लेते हैं जी क्या और बातें हैं जो एक्सप्लेन की गई हैं। कहती है कि यूथ जो है ना उसको अब मोर देन अब बस वर्ड से ज्यादा लेना चाहिए, उसको जरूरत है सिर्फ उनको फैशनेबली एक्सप्लेन ना किया जाए बल्कि इससे ज्यादा जो है उनकी वैल्यू होनी चाहिए। इलेक्शन डेज के अंदर पॉलिटिकली पार्टीज ये जो यूज करती हैं बहुत ज्यादा टर्म जो है क्या यूथ की, तो कहती है व्हाट इज
वट रियली इज द यूथ रिफॉर्म एजेंडा? आखिर यूथ रिफॉर्म एजेंडा है क्या इन पोलिटिकल पार्टीज का? यहाँ पर ये क्वेश्चन करती है, क्या ये है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इनको दी जाए, तो कैसे दी जाए? ठीक है, इनको जो है एजुकेशन की तरह, एजुकेशन और हेल्थ में जो है बेहतरी दी जाए, तो कैसी कहती है दी जाएगी? वो क्या मैजिक लैंप है इन लोगों के पास, ठीक है ना, कि जो एकदम से इनको ये सारी चीजें दे देगा? कहती है कि ये बताते नहीं है, बस ये कहते हैं कि देंगे देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये चीज ये नहीं बताते। और आगे वो कहती है कि पॉलिटिशियंस ने क्या किया है यूथ को, यूथ की सपोर्ट हासिल करने के लिए इस तरह के अल्फाज जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, और फिर बाद में वो भूल जाते हैं, जिसके जो है सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज जो है वो पैदा होती हैं लोगों के दरमियान, बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द रिफॉर्म्स। कि डिमांड जो होती हैं, फिर जो आप लोगों ने वादे किए हैं उनको पूरा करो, ये पूरा तो करते नहीं है, तो उससे क्या होती है फिर बाद में यूथ के दरमियान जो है एक गैप पैदा हो जाता है डिमांड और सप्लाई को लेकर। तो पाकिस्तान की बात करती है कि पाकिस्तान जो है ना उसको जरूरत ये है यूथ सेंट्रिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, जो कि डिजाइन भी यूथ करे और यूथ के लिए ही डिजाइन करे। तो इसके लिए क्या है कि यूथ की जो है रिप्रेजेंटेशन जो है ना और पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग के अंदर बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल रिफॉर्म जो है ना पॉलिटिशियंस को वो भी करनी चाहिए। और आगे वो कहती है, और ये काम तब भी हो सकता है जब यूनाइटेडली जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को लेंगी, कि 64% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो कि बिलो 30 इयर्स है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इस फिगर को सीरियस लें और इसके ऊपर जो है वो काम करें और इन जवानों के लिए कुछ सोचें। अब पॉलिटिशियंस को ये जरूरत है कि वो क्या है कि यंगस्टर्स को क्या करें, उनके साथ एंगेज हों, ना कि जलसों के अंदर सिर्फ बातें ही करें, बल्कि डायरेक्ट एंगेज हों, एक्स को यूज करके एंगेज हो सकती हैं, प्रोएक्टिव डायलॉग कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं वहां पर जा सकते हैं, और इसके अलावा जो है उनको फेस करें, डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म उनको यूज किया जा सकता है यंगस्टर के साथ लिंक करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन कलेक्शन की जा सकती है सर्वे करने से, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएं कि जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है ना, और अच्छा रिस्पांस लेने के लिए, हाई रिस्पांस लेने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जाएं, और इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वो बनाई जाएं। तो इन सारे तरीकों से क्या हो जाएगा, यंगस्टर्स क्या सोचते हैं कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये पॉलिटिशियंस तक जो है वो पहुँच सकेंगे। और इसके अलावा वो कहती है फिर आगे वही बात के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करें, डिस्कस करें, कनेक्ट हों किनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कौन से स्टूडेंट्स के साथ, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं और यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो उससे क्या होगी, यूथ फोरम जो होगी वो डिस्कस करेगी मुख्तलिफ चीज़ों को, और 5 पॉइंट एजेंडा जैसे हो गया फार्मूलेटिंग, शेयरिंग, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स वो कहता है कि डिस्कशन हो, यानी कि उसका बेहतर करने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स के जो लीडर्स हैं उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलें और उनके साथ डिस्कशन करें मुख्तलिफ इश्यूज़ को लेकर, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि जो यंग लोग हैं, जो हमारी आबादी का 64% है, उनकी प्रॉब्लम्स आखिर क्या हैं, वो क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या उनके बारे में करना चाहिए। और एडिशनली वो कहते हैं कि वेबिनार जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा वैल्यूएबल है। क्यों? वेबिनार आप किसी भी ऐसी जो कॉन्फ्रेंस को कह सकते हैं, किसी भी ऐसे सेमिनार को कह सकते हैं जो इंटरनेट के थ्रू जो होता है, तो कहते हैं वेबिनार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि आप लोगों को एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप वाइडर ऑडियंस को सुन सकते हैं, उनके उनको क्या कर सकते हैं, उनके आइडियाज को ले सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं कि क्या क्या है, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसको चूज करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप अगले बंदे की जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस भी आपको वो दे सकते हैं। और फिर इसके बाद ये कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो है इसी तरह से एक वेबिनार कंडक्ट करवाया, जिसमें मुख्तलिफ जो जवानों को बुलाया और उनसे पूछा। तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर वैसे कहते हैं कि ये ब्रॉडली जो है 4 जो थीम थे वैसे तो, कि एजुकेशन पे काम होना चाहिए, फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम होना चाहिए, और ट्रांसमिशन के ऊपर और इंक्लूजन के ऊपर काम होना चाहिए, ये 4 चीज़ें थी। लेकिन कहती है कि जब वो करवाया गया तो वहाँ पर तो एक और ही जो है हमारे सामने एक चीज़ आ गई, और वो ये आ गई कि वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बात की गई कि एजुकेशन जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होनी चाहिए। तो फिर कहती है इससे ये आइडिया होता है कि
ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ह्यूमन जो कैपिटल है अंडरगोइंग है ह्यूमन कैपिटल अंडर क्राइसिस चल रहे हैं कि स्किल नहीं है, तो इसका एक ही तरीकाकार है कि ये स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। कहते कि पाकिस्तान तो ये पॉलिसी मेकर्स ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में चार प्रॉब्लम्स हम जो है ना मेन उनके ऊपर वर्क करते हैं, एजुकेशन के ऊपर, फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर, ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन के ऊपर और इंक्लूजन के ऊपर। लेकिन जब जवानों के साथ डिस्कशन हुई तो उन्होंने हमें एक ये वाली बात बता दी कि भाई हमें स्किल दो। तो इससे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो अंडरगोइंग है, यानी कि उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और आगे फिर वो चलती है और आगे कहती है कि यूथ जो है ना वो सिर्फ बातों को सुनती नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स को सिर्फ बताती नहीं है बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी बताती है, और वो सिर्फ एक मेयर जो है ऑडियंस नहीं है बल्कि वो रिकमेंडेशंस भी देती है आपको, मुख्तलिफ चीजें आपके साथ डिस्कस भी करती है, जिससे जो है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो इन डिफरेंट फैक्टर्स को जो है वो डिस्कस करें यूथ के साथ, और इससे क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में बेहतर जो है पॉलिसीज बनाई जा सकेंगी। तो सर ये था आपका सेकंड लास्ट ओपिनियन, नो वी आर गोइंग टू वर्ड आवर टुडे लास्ट ओपिनियन एंड आवर सेफ्टर चैप्टर हिंस अक सिंगर। हिंस अक सिंगर के ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये पर्सनैलिटी बेस्ड है और पर्सनैलिटीज जो है उसकी जरूरत नहीं होती है आपको ज्यादा डिस्कस करने की, आपको पेपर्स में डिस्कस करने होते हैं आइडियाज या किसी खास पर्सनैलिटी से अगर कोई आइडिया जुड़ा हो तो उसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। हेनरी किसिंगर, अभी आपको मैंने यस्टरडे हमने एक ओपिनियन डिस्कस किया था, 100 ईयर्स इनकी एज हो चुकी थी और इनकी डेथ हो गई है, ये अमेरिका के जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं थे, और इसके अलावा इन्होंने काफी बुक्स भी लिखी हैं जैसे डिप्लोमेसी बड़ी मशहूर है, वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा इनकी बुक मशहूर है। तो ये इनके बारे में इनकी जब डेथ हो जाती है तो फिर ये बहस छुट जाती है कि क्या इनकी पॉलिसी से दुनिया में सुकून रहा या तबाही रही। तो ज्यादातर ने ये कहा कि इस बंदे की जो एडवाइजरी में इस बंदे ने जो मशवरे दिए थे दुनिया में तबाही ही मची है, नो डाउट अमेरिका को तो बड़ा फायदा हुआ है लेकिन इंसानियत को नुकसान ही पहुंचा है। तो यहाँ पर भी इनकी मुख्तलिफ स्टोरीज बताएगा लेकिन इसके अंदर से मैं दो चार जो मेन बातें हैं सिर्फ वही आपके साथ डिस्कस करूंगा। कहता है कि हैंस एक सिंगर, ये इसका असल नाम था, फिर ये मूव कर देते हैं हेनरिक सिंगर के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको कहता है ये एक वार क्रिमिनल है, और उसके बाद कहता है ये एक डिप्लोमेट है जिसको दुनिया के मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फर्म्स हैं, खास तौर पर बिजनेसमैन है, वो इसके साथ अपने फ्यूचर को डिस्कस करते थे, इससे आइडियाज लेते थे, हम ये डिसीजन करने लगे हैं तो आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो याह्या खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उनके दौर में ये इन्होंने हेनरिक सिंगर ने सेक्रेड विजिट किया था चाइना का, इस बंदे की मदद से ये चाइना किया था लुके छुप के, और वहां पर चाइना के जा आकर इसने अमेरिका की बातें की थी, अमेरिका के बारे में जो बातें थी वो चाइना को पहुंचाई थी कि हम ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन खुल के नहीं गया था ये पाकिस्तान से, याह्या खान की मदद से ये जो है चाइना इसको पहुंचाया गया। तो ये एक दो बातें थी, बाकी इसका मैं हल्का सा व्यू ले देता हूँ आपको। ये बेसिकली जर्मनी में पैदा होता है और असल में जो ज्यूज थे ना वहां के, तो उनसे बचकर ये जो वो ज्यूज को जब वो मार रहे थे तो वहां से निकल कर ये अमेरिका पहुंचता है, तो तब इसका नाम हैंड्स था किसिंगर था, उसके बाद इसका हेनरिक सिंगर नाम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो है फेथ या कह लें वो जुदिज्म था, बाद में ये क्रिश्चियन बन गया, हार्वर्ड में पढ़ाता था, हार्वर्ड से फिर ये निकला तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है ना वहां पे मुख्तलिफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ इसने जो है सर्व किया, और खास तौर पर जो रिचर्ड निक्सन थे जो 38 प्रेसिडेंट थे अमेरिका के मेरे ख्याल में, उनके साथ भी उन लोग इसने एज ए यानी के एज ए सेक्रेटरी यूनाइटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इन्होंने वर्कआउट किया। तो इसको वैसे वार क्रिमिनल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कहता है कि मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ का ये जिम्मेदार है जो वियतनाम वार में हुई, कंबोडिया वार में हुई और लाओस में हुई, वियतनाम कंबोडिया और लाओस में हुई, और इसको नोबेल प्राइज 1973 के अंदर दिया गया था, ठीक है। तो ये वहां पर जो वार हुई थी उस वक्त ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है ना, एडवाइजर था। और कहता है कि ये एक डिप्लोमेट है जिसको जो है ना इसके क्लाइंट जो है खास तौर पर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो आकर इससे कंसल्ट करते हैं, बड़ा हैवी पे हाईली पेड है, बड़ा महंगा कंसल्टेंट है ये, ठीक है ना। और क्यों है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस रहा है एज ए यूनाइटेड स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा है,
और बाद में सेक्रेटरी और स्टेट भी रहा। तो ये दो अहदों पे ऊपर काम करने की वजह से अब इसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इससे मशवरे लेते थे मुख्तलिफ किस्म के, तो वो अच्छा खासा उनको पे करता था। और इसने एक किसिंगर फर्म के नाम से एक इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है जहां पर ये इसी किस्म के अब मशवरे ही देता था। आगे वो कहता है कि ये वाला जो है वाल्टर लेसर, इसने एक जो है एक बायोग्राफी इसकी लिखी और उसमें इसको ब्रिलियंट कहा गया, ये बहुत ब्रिलियंट था, इसकी मुख्तलिफ तरीफें करी। और स्पेशली आगे वो कहता है कि हॉलीवुड स्टार को भी ये कहता था, यूज कर लेता था जब कभी इसने अपने किसी जो प्रेस है ना उसको जो है वो किसी काम से उसका ध्यान हटाना होना तो हॉलीवुड का कोई ना कोई ये काम डाल देता था, तो उनको इस्तेमाल करके हॉलीवुड के अंदर तो उनका ध्यान उधर चला जाता था। और पुलिसी के हिसाब से जनाबी अली कहते हैं कि इसको बड़ी एक्सपर्टीज थी, ठीक है ना, पुलिसी वगैरह का बनाने के लिहाज से तो पुलिसी के ऊपर उसको बड़ी एक्सपर्टीज हासिल थी। इसी तरीके से और भी काफी बातें होती हैं, जैसे कि चाइना की बात होती है इसके साथ कि चाइना में जो प्रेसिडेंट याह्या खान के दौर में जो क्या है ये जाना जाता था, प्रेसिडेंट याह्या खान के दौर में, ठीक है ना, किसिंगर जो है विजिट करता है बीजिंग का जुलाई 1971 के अंदर और जहू इन लाइक से जो मिलता है जो चाइना का था, तो वो ये दोनों जो है ये डायरेक्ट चैनल यानी कि इनका बनाता है, स्टैब्लिश करता है, कहता है कि हम एक चैनल बना लेते हैं जिससे हम डायरेक्ट आपस में डिस्कशंस कर सकें। याह्या खान के बारे में वो कहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, गुड फ्रेंड है इनका, तो यही बातें इसके अंदर वो डिस्कस की जाती हैं। एंड इसके अंदर और कोई खास बात नहीं है, बाकी बुक्स है एक दो। और फाइनली वो कहता है कि 1940 के अंदर, 1940 के में जो एक यंग सिंगर था जिसने होलोकॉस्ट से बचते हुए जो है यहाँ पर पहुंचा था, और अब 1970 के अंदर उसी की वजह से 1940 के अंदर वो खुद एक होलोकॉस्ट से बचा और यहाँ पर आया, और 1970 के अंदर उसने खुद अप्रूव किया एक जेनोसाइड के, ठीक है मार दो वेटनाम वालों को, लाओस वालों को, और वो जंग के अंदर मिलियंस ऑफ लोगों को इसने अप्रूव किया कि हाँ ठीक है आप लोग उनको मर्डर करें, जो भी देखोगा देखा जाएगा। तो ये जो है हेनरिक सिंगर के बारे में था। अब इसमें आपको बस पता होना चाहिए कि सिंगर के बारे में कि ये कौन था, ठीक है ना, क्योंकि तो एक पा है वो वाला मेन किरदार रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे उधर से कि ये 100 ईयर्स की, इसकी जो 100 ईयर्स के बाद डेथ होती है, तो ये बता भी आपको दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा है, ठीक है ना, और इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहा, जब कब, जब रिचर्ड निक्सन था 1970s की इरा के अंदर, और तब वेटनाम वार भी लगी हुई थी, ठीक है ना, लाओस के अंदर भी वार थी। तो ये इसके बारे में नोबेल प्राइज इसको कब मिला वो आपको पता होना चाहिए, कुछ इसकी बुक्स का आपको पता होना चाहिए, एंड दैट्स इनफ। और ये भी खास तौर पे पेपर जो ऑब्जेक्टिव पर बेस्ट पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में वो आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि सिंगर कौन था, उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो जी आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक ही था, सारा कुछ डिस्कस कर दिया, होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, एंड इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या लर्न किया, एंड हैव अ गुड डे फ्रॉम पेनग्रेविटी टीम। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।